नमस्कार, कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल थंबनेल सही देखा, अब GSTR 3B को निगेटिव वैल्यू में भी फाइल कर सकते हैं। आइए इस समस्या के निदान को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए तो हमारे पास जो डेटा निकल के आता था, अगर हमारे पास किसी पार्टिकुलर मंथ में आपका सेल्स जो है वो कम पड़ जाता था सेल्स रिटर्न से, तो उस केस में हमारे पास समस्या आ जाती थी कि R1 तो हम सेल्स को यहाँ पे दिखा देते थे, सेल्स रिटर्न्स को भी यहाँ पे दिखा देते थे, लेकिन जब GSTR 3B फाइल करने जाते थे तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा किसी पार्टिकुलर मंथ में सेल्स जो है वो 100 रुपीज था और मेरा सेल्स रिटर्न 150 रुपये था, तो उस केस में हम यहाँ पे GSTR 3B को निगेटिव वैल्यू फाइल करने का अलाउंस पोर्टल हमें नहीं देता था। लेकिन अब ऐसा समस्या नहीं है। अब इस समस्या को निदान करने के लिए GSTN पोर्टल ने एक आपको बहुत अच्छी सुविधा देने जा रही है। ये इनिशियल फेज जो आया था वो रिलीज आया था 31 अक्टूबर 2022 को, उसमें कुछ एडिशन चेंजेस एंड करेक्शन इन दिस रिलीज में दिया गया है कि GSTR 3B का वर्जन जो है 3.0 से 3.1 आया जा रहा है, जिसमें GSTR 3B गेट GSTR 3B डिटेल स्कीमा चेंज फॉर अलाउइंग निगेटिव वैल्यू। आप देखिएगा यहां पे आपको निगेटिव वैल्यू भी अब अलाउ किया जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका किसी महीने में सेल्स रिटर्न जो है वो ज्यादा हो जाता है किसी भी कारण से सेल्स से। तो एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेज है GSTN पोर्टल के द्वारा, वाकई ये काबिले तारीफ है, इसका वेलकम करना चाहिए हम सब लोगों को कि GSTN पोर्टल वाकई प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए अब निगेटिव वैल्यू को अलाउ करने जा रही है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।